बोरीवली स्थित सोनी परिवार में माता की चौकी का आयोजन किया गया, जहां राधे मां नजर आई। सोनी परिवार ने भव्य स्वागत किया राधे मां का। बातचीत के दौरान क्या कुछ कहना था राधे मां का, देखिए मुंबई से खास रिपोर्ट। देखो मैं हूं आप सबकी अपनी राधे मां, तो मां तो यही चाहेगी कि बच्चे नशा ना करें, क्योंकि आज वो कर रहे हैं, आज उनको अच्छा लग रहा है, लेकिन जब उन बच्चों के अपने बच्चे होंगे तब वो बहुत पछताएंगे कि हमने क्या किया। मैं तो ये उनको समझा सकती हूँ, बाकी उनकी अपनी मर्जी है कि वो क्या करें, वो आगे बढ़े। मैं यही चाहती हूँ सब, मैं पूरे अपने देश के लिए सोचती हूँ कि पूरा देश आगे बढ़े, हमारा देश तरक्की करे, हमारे बच्चे पढ़े लिखे, ऑफिसर बने, बिजनेसमैन बने, सब तरह का मैं सोचती हूँ कि बच्चे बढ़े, हमारा देश बढ़े। तो राधे माँ की वहाँ पर अमीर और गरीब की भावनाएं नहीं होती है, जात की भावनाएं नहीं होती, हर कोई राधे माँ के लिए उनका बच्चा है। मेरे लिए कोई अमीर या कोई गरीब नहीं है, मेरे लिए गरीब वो है जो खाते पीते सब कुछ होते हुए भी हाय 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 करता है कि कुछ नहीं, मैं मर गया, मैं मर गया, मैं मर गया, वो गरीब है मेरे लिए। जो सब कुछ होते हुए खाते पीते रोता है वो गरीब है, बाकी कोई गरीब नहीं इस दुनिया पे। भगवान पत्थर में से कीड़े को भी खाना देता है। कब सुना? पहले एक्चुअली सुनते आ रही हूँ मैं 2-3 साल से, लेकिन कभी उनको मिली नहीं थी। आज उनको मिलने के बाद आई फील सी इज, ओ माई गॉड, सी इज एक्सट्रीमली पॉजिटिव एंड आई फील सी इज रियली वाज, सी इज इन सच एन एंजल एंड सी इज extremely beautiful. I feel, oh my god, she's so cute actually. And yes, I love Radhe Ma, yeah. I become fan actually. And she is very beautiful. Oh my god, she's बस उसकी कृपा हो गई, मैं ब्लेस्ड हूँ आज कि उसकी कृपा हो गई, हमारे घर चरण डाले, मैं बहुत बहुत खुश हूँ। और देवी माँ साक्षात पर देवी माँ है। इससे पहले भी कभी देवी माँ आपके घर आई थी? नहीं, ये पहली बार आए। और कितने वर्षों से आप राधे माँ को जानती हैं? हम लोग 12 साल से।